देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे कि अगर आपको वर्किंग रूल समझ में आया होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको आना चाहिए वर्किंग रूल, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में इक्वेशन को देखिए, दैट इज ए, अगर आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी वन जेड से कंपेयर करोगे इज इक्वल टू डी वन, तो यहाँ पर देखोगे कि ए वन का वैल्यू ग्रेटर है, दैट इज 43 इज लार्ज वैल्यू एज कम्पेयर टू 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे तो 53 लार्ज वैल्यू है 3 एंड 1 के। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे तो 49 ग्रेटर देन है 2 एंड -4 के। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, आप मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर फिर से इक्वेशन नहीं लिखूंगा जो कि गिवन है, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो नाउ यहाँ से जो एक्स का वैल्यू अगर आपको लेना है, कैलकुलेट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, 1/43, राइट, क्योंकि ये ग्रेटर देन वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1/43। 91 के आपका राइट हैंड साइड, और जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसे हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, दैट इज 2y-3z। तो नाउ ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमें कैलकुलेट करना है इस वैल्यू ऑफ वाई का, तो नाउ मैं यहां पर ही लिखता हूं वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते समय, दैट इज वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, 53। क्यों? क्योंकि 53 वाई था, तो 53, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/53, राइट है। 60 ये हो गया राइट हैंड साइड, -3x-z अगर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो -3x-z, जो कि मैंने इस तरह से जेकोबी मेथड में सॉल्व किया था स्टेप बाय स्टेप, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि वर्किंग रूल में हम लोग ने देखा था, सेम यहाँ पर हम लोग वही काम कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49z है, तो 49 अगर यहाँ से 49 यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो 49 यहाँ पर हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पर जाएगा, बट पहले 49 जो भी वैल्यू है आप लिख दीजिए, 49 -2x+4y, तो यहां से हो जाएगा -2x+4y। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ जेड। नाउ आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे बहुत ईजी है, आगे आपको क्या करना है, पुट करना है। पुट क्या करना है आपको, जैसे कि आपको पता है गॉस साइडल मेथड है, तो गॉस साइडल एंड गॉस जेकोबी में दोनों में हम लोग क्या करते थे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो सेम यहां पर भी हम लोग करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0 इन अबव अबव एक्स वाई एंड जेड। अगर आप एक्स जीरो वाई जीरो एंड जेड इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे इन एक्स वाई एंड जेड, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते समय क्या करेंगे, दैट इज 1/43 है, तो 1/43 इस तरह से हो जाएगा 91 -2y-3z। जैसे कि हम लोग ने देखिए यहाँ पर वाई का वैल्यू 0 एंड जेड का वैल्यू 0, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। अगर यहाँ पर एक बार x का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, बट यहाँ पर y एंड z का वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y एंड z की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 × 0 दैट इज 0 और -0, तो ये हो जाएगा 0 - 0 = 0। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 91/43। अब ना इसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द कैलसी। तो कैलसी का यूज कीजिए, 91/43 सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू यहां से मिलेगा, जो कि मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा, तो यहां पर आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2.11627। आप चाहे तो एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो कैलसी में अपने, तो आपको सेम वैल्यू यहां से मिल जाएगा, दैट इज 2.11627। सिमिलरली अगर हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ वाई अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/53, राइट है, 60 - 3x (x). अब ना यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि x का वैल्यू हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है x का वैल्यू, तो हम लोग इस ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि हम लोग ने वर्किंग रूल में देखा था। तो 2.11627 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे -z। अब जेड का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जेड का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 0। तो नाउ अगर आप इसे सॉल्व करोगे इन कैलसी, तो जो आएगा 1.01228, जो कि मैं यहां पर सॉल्व करके रखा हूं यहां पर कैलसी में,
तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आप कैलसी में देख भी सकते हो। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको दिखा के कैलसी, क्योंकि आई होप कि आपको कैलसी यूज़ करना आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैलसी से भी सॉल्व करके बता दूंगा। किसी क्वेश्चन को लूंगा तो वहाँ पर कैलसी का भी यूज़ कर लूंगा, बट यहाँ पर मैं कैलसी आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसका। देखिए सबसे पहले 60 माइनस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा और डिवाइड करेगा 53 से, तो आपको वैल्यू मिलेगा वाई का वैल्यू ये मिल जाएगा। सिमिलरली जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/49 लेंगे, दैट इज 49 माइनस 2x। मेरा काम यही है कि आपको समझ में आना चाहिए मेथड्स, मेथड क्या है। अगर आप एक बार ये समझ जाओगे तो आप कैलसी का तो यूज आप खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कैसे करना है, आप कैलसी का यूज खुद से भी करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में कंपलसरी रहता है, या गॉस जेकोबी अदरवाइज गॉस साइडल मेथड, ये दो क्वेश्चन आपको कंपलसरी एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व करके जाओगे तो आप इजिली 8 मार्क्स कवर कर सकते हो। और इजी भी ये टॉपिक इजी भी आपके लिए, आप करोगे तो आपको आ जाएगा। नाउ हम लोग देखिए एक्स का वैल्यू -2 × x, तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ से लेंगे, दैट इज 2.11627 प्लस 4 × y। वाई का वैल्यू यहाँ से लेंगे, दैट इज क्या मिला आपको, 1.01228। अब नाउ यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जेड का वैल्यू जो मिलेगा वो समथिंग 0.996256। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ जेड। बट आपको एक बात ये भी समझना, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी जेड है। ऑब्वियसली अगर आप पुट करो एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो तो एक्स वाई जेड तो नहीं होगा, तो इसे हम लोग नाम देंगे एक्स वन वाई वन जेड वन। और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को हम लोग नाम देंगे दैट इज फर्स्ट इटरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पहला जो इक्वेशन आपको x1 y1 z1 का वैल्यू मिला, ये फर्स्ट इटरेशन मतलब इससे पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिला, तो इसे फर्स्ट इटरेशन बोलेंगे। अब ना हमें फिर से सॉल्व करना है, दैट इज सेकेंड इटरेशन भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट करना। तो नाउ सेम करेंगे, नाउ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट इज सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में हम लोग जो एक्स वन वाई वन जेड वन लिए, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक्स टू वाई टू एन जेड टू। तो नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं एक्स टू का वैल्यू। तो एक्स टू का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखिए, एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, 1/43, तो सेम 1/43 लेंगे, 91 माइनस 2 × y। अब वाई का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इटरेशन से लेंगे, तो वाई वन कितना मिला आपको, ये मिला, तो आपको यहाँ से y1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 1.001228। सिमिलरली आपको क्या करना है, -3 × z, तो -3 मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड का वैल्यू कितना मिला z1 से, तो दैट इज 0.996256। ये आप कैलसी में सब्स्टिट्यूट करोगे एंड इससे आप सॉल्व करोगे तो जो x2 का वैल्यू आपको मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा 1.9969। सिमिलरली आपको क्या कैलकुलेट करना है, y2, क्योंकि सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो y2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो y2 कैसे मिलेगा, y2 इज इक्वल टू 1/53, तो 1/53 60 − 3x − z, तो 60 − 3 × x, x का वैल्यू x1 फर्स्ट इटरेशन का जो भी वैल्यू मिला। बट अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी यहाँ पर आपको बताने जा रहा था आपको कि x1 का वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए, बट यहाँ पर से मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर मिस्टेक होता है, क्या करते हैं जब भी उन्हें घाई में वो क्या करते हैं, y2 का वैल्यू क्या करते हैं, 3 × x का वैल्यू, तो क्या करते हैं 3 × x का वैल्यू ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बट गॉस साइडल मेथड यही है डिफरेंस, गॉस साइडल मेथड में जो भी वैल्यू आपको x2 से मिला, नेक्स्ट वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, जो भी x2 का वैल्यू अब यहाँ पर करना है, तो जो यहाँ से मिला है x2 का वैल्यू, अब इस x की जगह पे आप ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो मैं आपको आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया गॉस साइडल मेथड से। तो देखिए यहाँ पर तो 3x, तो x की जगह पे ये जो x2 का वैल्यू मिला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, -z, z का वैल्यू क्या हो जाएगा ये वाला, तो कितना मिला 0.996256। नाउ इसे आप कैलसी पे सब्स्टिट्यूट करोगे एंड इसे कैलसी पे रख के सॉल्व करोगे तो जो इसका वैल्यू मिलेगा आपको, दैट इज y2 का वैल्यू मिलेगा,
दैट इज ये मिलेगा 1.00088। इस तरह से आपको मिल जाएगा y2 का वैल्यू। अब नाउ हमें क्या करना है, z2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो z2 का वैल्यू कैलकुलेट बहुत इजी है। z2 की जगह पे देखिए 1/49 है, तो 1/49 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/49, दैट इज 1/49, 49 माइनस 2x, तो 49 माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ से मत लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको मिल गया है, यहाँ पर एक्स टू वाई टू मिल गया है। तो अब जो भी ये जेड का वैल्यू कैलकुलेट करते समय इस एक्स वाई का वैल्यू यूज करिएगा, तो 2 इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू आपको मिला 1.99969 माइनस सॉरी प्लस 4y, तो प्लस 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू यहाँ से 1.000088। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसे अगर आप कैल्सिव पे रखोगे, तो लेट से मैं एक बार कैल्सिव का भी यूज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, देन आपको समझ में आएगा। नाउ सी हियर, कैल्सिव में अभी देखिए मैं इस एक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, एक जेड टू का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इस कैल्सिव में। सबसे पहले कैल्सिव ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मेन चीज समझना आना चाहिए, समझ जाओगे आप एक बार तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या आपका 49, तो 49 माइनस क्या कीजिएगा 2 मल्टीप्लाई क्या है 1.99, तो 1.999 थ्री टाइम्स है, तो 3 × 6 9 राइट है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय कितना है 1.0, तो 1.000 4 टाइम्स 0 है दैट इज 88। तो आपको यहां से ये मिल गया, डिवाइडेड बाय क्या करना है 49। नाउ इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इक्वल टू करते हैं, तो इक्वल टू करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा दैट इज 1.4 × 01। तो नाउ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1.4 × 0.198। तो नाउ यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको सेम कैल्सी का यूज करना है, दैट इज यूज करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 1.4 × 0.198, ये था वैल्यू राइट। आई होप कि आपको समझ में आया कैल्सी का यूज करके कैसे मिलता है। तो इस तरह से आपको जेड टू का वैल्यू मिल जाएगा। अब नाउ आपको समझ में आ रहा है कि आपने सेकेंड इटरेशन फाइंड किया तो आपको क्या मिल गया, देखिए 1.99969 राइट है। आप इसे चाहे तो 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि 1.99 2 भी हो सकता है। सिमिलरली 1.0088 1.4 × 0, मतलब ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। बट 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सेकेंड इटरेशन पे स्टॉप नहीं करना है, आपको टोटल फोर इटरेशन आपको लेकर जाना है, फोर इटरेशन आपको सॉल्व करना है। क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आप सेकेंड इटरेशन पे स्टॉप करते हो तो आपको 8 मार्क्स नहीं मिलेगा, तो 8 मार्क्स के लिए आपको टोटल 4 इटरेशन तक लेकर जाना है। तो ये हो गया आपका सेकेंड इटरेशन। अब 4 इटरेशन क्यों ले जाना है, थर्ड इटरेशन क्यों नहीं ले जाना है, देखिए अगर आपको थर्ड इटरेशन में अगर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए, या तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाए, या ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाए, तो आपको थर्ड इटरेशन में भी स्टॉप कर सकते हो। बट अगर आपको थर्ड इटरेशन में नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, फोर्थ इटरेशन में भी ले जाइएगा। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड इटरेशन। अब नाउ हम लोग देखते हैं थर्ड इटरेशन। नाउ देखिए थर्ड इटरेशन, तो थर्ड इटरेशन में क्या है, सेम अब x2 y2 z2 जिस तरह से निकाला है, सेम हम लोग क्या करेंगे x3 y3 एंड z3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x3 का वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा, दैट इज x3 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो x3 इज इक्वल टू सेम 1/43। इक्वेशन किसका यूज करेंगे, जैसे हम लोग ने देखा था इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ये x है तो इसे x3 के लिए 1/43 91 माइनस 2y, तो y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे इस इटरेशन का यूज करेंगे, दैट इज y2 का वैल्यू। सिमिलरली माइनस 3z, तो z की जगह पे इसका वैल्यू यूज करेंगे। तो नाउ हम लोग देखते हैं कि क्या मिलेगा, तो 1/43 के बाद क्या आपका 91 माइनस 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू सेकेंड इटरेशन से आप जो भी सेकेंड इटरेशन में वाई टू का वैल्यू मिला है सेम यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा 1.00088 राइट है। सिमिलरली माइनस 3 इंटू जेड, तो 3 इंटू जेड, जेड का वैल्यू कहां से लोगे सेकेंड इटरेशन से, दैट इज जेड टू का वैल्यू, तो 1.00098। तो ये हो गया आपका x3। अब ना इसे आप कैल्सी पे सब्स्टिट्यूट करोगे एंड सॉल्व करोगे तो जो x3 का वैल्यू मिलेगा आपको, वो वैल्यू आपको x3 का वैल्यू समथिंग मिलेगा 1.99 5 × 9 है दैट इज 4 5। अगर आप इसे कैल्सी पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेम आपको इस तरह का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करना है y3, तो y3 की हम लोग y इक्वेशन को देखेंगे, दैट इज क्या है 1/53 60 माइनस 3x माइनस z।
तो 3x, x का वैल्यू आप लोग ये वाला वैल्यू यूज करोगे एंड जेड का वैल्यू आप सेकेंड इटरेशन का जो भी वैल्यू आया है उसे यूज करोगे. तो नाउ हम लोग देखते हैं कि y3 का वैल्यू क्या मिलेगा. तो y3 क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 53, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 53, तो 53 60 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय x है. तो x का वैल्यू आपको जो वैल्यू यहां से मिला है इसे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे. तो x का वैल्यू देखिए क्या मिला, 1.999945, ये हो गया आपका x का वैल्यू, माइनस टाइम्स क्या आपका z. तो z का वैल्यू कहां से मिला, दैट इज 1.000198. नाउ इसे अगर आप सॉल्व करोगे, तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे कैलसी में, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा y3 का वैल्यू, वो वैल्यू समथिंग मिलेगा दैट इज 0.9999999937. इस तरह का वैल्यू आपको रिपीट होते जाएगा, दैट इज 9999 आपका रिपीट होते जाएगा. अगर आप z3 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो z3 का वैल्यू क्या मिला, दैट इज 1/49 आपको गिवेन है, 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो x का वैल्यू क्या है आपको मिला, 1.99945 माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.99999 कितना है, 3 टाइम्स 337 एंड 7, तो यहां पर भी 336 एंड 737. इससे आप सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलेगा वो 1.000 के फॉर्म में आ जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा आपको 1.00. नाउ आप चाहे तो यहां पर से देख कर आप बोल सकते हो कि जो x3 का वैल्यू मिलेगा 1, दैट इज 1.999, मतलब कि 2 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो. बट हम लोग एक और भी यूज करते हैं, दैट इज फोर्थ इटरेशन भी सॉल्व करेंगे. अब आप लोग बोलोगे फोर्थ इटरेशन क्यों सॉल्व कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इसका वैल्यू जब भी आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का, तो फोर्थ इटरेशन तक आपको लेकर ही जाना है. तो फोर्थ इटरेशन तक आपको लेकर जाना है और इसे सॉल्व करना है. तो क्या हो जाएगा, 1/43, और इजी भी, आप खाली यूज करोगे कैलसी, कैलसी का यूज कीजिए, आपको फटाफट आपको आंसर मिलते जाएगा. तो फोर्थ इटरेशन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका y, माइनस 2 इंटू y, तो y का वैल्यू क्या मिला थर्ड इटरेशन से, 0.999, तो आपको ये हो जाएगा 0.999999, दैट इज 336 एंड 737. अब नाउ ये हो गया आपका y का वैल्यू, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय z, तो z का वैल्यू कितना मिला आपको 1, तो z का वैल्यू राइट है माइनस 3 इंटू z, तो z का वैल्यू आपको मिला 1, तो आप सब्सटीट्यूट कीजिए 1, डायरेक्ट मैं 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहां से, तो जो x4 का वैल्यू आपको यहां से मिलेगा उसका वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज 2.0000. इस तरह से आपको x4 का वैल्यू मिलेगा. सिमिलरली अगर आप y4 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो y4 क्या है आपका 1/53 60 माइनस 3x माइनस z, लेट से मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, तो 1/53 ये आपको इक्वेशन गिवेन है. तो इस इक्वेशन में क्या करोगे, तो x4, x इसमें x4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यहां पर z3 का, तो यहां से 60 माइनस 3 टाइम्स x4, x4 का वैल्यू कितना मिला 2 मिला, माइनस z3, z3 का वैल्यू मिला आपको 1, तो ये हो जाएगा 1. अब इसे देखोगे तो 60 माइनस 3 टू जा 6 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ये हो जाएगा आपका समथिंग, यहां से वैल्यू जो मिलेगा आपको वैल्यू मिलेगा 1. देखिए 60 माइनस 3 टू जा 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज माइनस 7, तो 6 माइनस 7 दैट इज 53, 53 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा. सिमिलरली अगर z4 कैलकुलेट करना है, तो z4 के लिए सेम आपको इक्वेशन देखना पड़ेगा, इक्वेशन में क्या गिवन है, दैट इज 1/49, 49 माइनस क्या आपका 2 इंटू x, तो x का वैल्यू क्या आपका 2 है, प्लस क्या है प्लस 4 टाइम्स y, तो y का वैल्यू कितना मिला आपको 1, तो 1 यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से जो वैल्यू मिलेगा सेम 2 टू जा 4, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 दैट इज ये हो जाएगा दिस लाइक, यहां पर भी 4, तो माइनस 4 प्लस 4 गेट कैंसल, 49 डिवाइडेड बाय 49 दैट इज यहां से जो वैल्यू मिलेगा 1 मिल जाएगा. तो जो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा, फाइनल आंसर आपका एम क्या है आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो यहां से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 2, वाई का वैल्यू मिल जाएगा 1,
एंड जेड का वैल्यू भी मिल जाएगा 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ने फोर्थ इटरेशन इसलिए लेकर गए क्योंकि यहाँ से फोर्थ इटरेशन ले जाने पर देखिए यहाँ पर आपका फाइनल आंसर मिला, दैट इज 2, 1 एंड 1 के फॉर्म में, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप 2 इटरेशन में अगर आप बोल दोगे सॉल्व करके स्टॉप कर दोगे तो आपको पूरा 8 मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा फोर्थ इटरेशन, क्योंकि आपको फोर्थ इटरेशन में एक्चुअल वैल्यू आपको मिल रहा था। अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, अब इसके आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम इसी तरह का वैल्यू मिलेगा आपको, रिपीट होते जाएगा 2.00001 इस तरह से रिपीट होते जाएगा। तो आगे कुछ सॉल्व करके मतलब नहीं है। जब भी आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है गॉस सैडल मेथड में तो आप लोग फोर्थ इटरेशन तक लेकर जाइएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने सॉल्व किया, नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से हम लोग ने सॉल्व किया सेम क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, सेम देखिए यहाँ पर 3 जो कि ग्रेटर देन है इसके इस वैल्यू से, 7 ग्रेटर देन है इन दोनों के वैल्यू से, एंड 10 ग्रेटर देन है 0.3 एंड 0.2 से। नाउ हम लोग इसे क्या करेंगे x1 y1 यहाँ से देखिए यहाँ पर, बट यहाँ पर xyz के फॉर्म में था, यहाँ पर क्या है x1 x2 एंड x3 के फॉर्म में है। तो हम लोग सबसे पहले x1 फाइंड करेंगे, x2 फाइंड करेंगे एंड x3 फाइंड करेंगे, सेम जैसे हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया x1 y1 z1 लेकर। तो यहाँ पर हम लोग x1 x2 x3 कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया 3x1 सेम। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन देता हूँ किसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको समझ में भी आए एंड आप सॉल्व भी फटाफट कर लीजिए। दैट इज 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7.85 प्लस 0.1x2, यहाँ पर राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो सेम 0.2x3। नाउ ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ x1, सिमिलरली यहाँ से x2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x2 दैट इज 7 था तो यहाँ पर जाएगा तो डिनोमिनेटर में 7 चले जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -19.3। तो -19.3 0.1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.1x2, ये प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाने के बाद, दैट इज 0.3x3। सिमिलरली यहाँ पर देखिए अगर इस इक्वेशन से हमें x3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या है x3 दैट इज 10x3 गिवन है तो डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 71.4 -0.3 -10 तो -0.3 इंटू x1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 10 टाइम्स x3 सॉरी प्लस 0.2 क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने x3 का यूज किया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 0.2 इंटू x2 यहाँ पर हो जाएगा 0.2x2। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ x1 वैल्यू ऑफ x2 एंड देन वैल्यू ऑफ x2। हमें हमारा एम क्या है, हमारा एम है कैलकुलेट करना x1 x2 एंड x3। बट कैसे करेंगे तो सबसे पहले बाय यूजिंग द गॉस सेडल मेथड। तो गॉस सेडल मेथड क्या बोलेगा कि जो पहला काम क्या करना है आपको इस इक्वेशन में पुट करना है x0 y0 एंड z0। लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यहां पर देखिए ये क्या है आपका प्लस 0.2x2 है, याद रखना प्लस 0.2। तो यहां पर नहीं तो मैं लिख देता हूं प्लस 0.2x2, इसे कैंसिल कर देता हूं 0.2x2 है। तो नाउ हमें पुट करना है x0 y0 एंड z0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम लोग x1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा 1/3 क्या है आपका 7.85 प्लस x2 की जगह पे अभी नाउ यहाँ पर क्या है x y x = 0 y = z0। हम लोग ने पहले क्वेश्चन में किस केस में जब भी आपको वहां पर x y एंड z गिवन था तब हम लोग इस तरह से यूज करते थे, बट यहां पर हियर वी पुट x1 = 0 x2 = 0 x3 = 0। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको एक्स वाई जेड गिवेन था बट यहां पर क्या गिवेन है x1 x2 एंड x3। तो हम लोग क्या पुट करेंगे x1 = 0 x2 = 0 एंड x3 = 0। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा यहां पर x2 एंड x3 की जगह पे 0 जाएगा तो ये हो जाएगा होल 0। तो यहां से जो मिलेगा वो मिल जाएगा 7.85 / 3। आप इसे कैल्सियम में सब्सटीट्यूट करोगे एंड सॉल्व करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा 2.6167। जो इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो जो कि मैंने किया यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से 2.6167।
नाउ सिमिलरली कैलकुलेट करना है हमें एक्स टू, एक्स टू कैलकुलेट करना है, तो एक्स टू कैलकुलेट करने के लिए सेम 1/7 19 माइनस 19.3 माइनस 0.1 इंटू एक्स टू। अब एक्स टू की जगह पे देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका एक्स वन, ये हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है जब भी हम लोग ने पुट किया एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो दैट इज एक्स वन इज इक्वल टू जीरो एक्स टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट किया तो ये हमें क्या देता है फर्स्ट इटरेशन, राइट, फर्स्ट इटरेशन हमें ये देता है। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे इसे एक्स वन वन लेंगे एक्स टू वन लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट इटरेशन का एक्स वन वैल्यू फर्स्ट इटरेशन का एक्स टू का वैल्यू। तो यहाँ से जो एक्स वन 0.1 क्या है यहाँ पर 0.1 इंटू एक्स टू, तो जो अभी एक्स टू का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इटरेशन से लेंगे क्या मिला ये वाला वैल्यू, तो 2.6167 का वैल्यू लेंगे दैट इज 0.2 इंटू एक्स थ्री। एक्स थ्री का वैल्यू नाउ यहाँ पर क्या है जीरो है एक्स थ्री, जैसे हम लोग जेड का वैल्यू जीरो लेते थे सेम यहाँ पर एक्स थ्री का वैल्यू जीरो लेंगे जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है जेड इज इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा अगर आप इसे कैलसी पे सब्सटीट्यूट करोगे एंड सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा 2.7945 हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट इटरेशन के लिए एक्स थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स थ्री कॉमा वन दैट इज एक्स थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इटरेशन के लिए तो एक्स थ्री वन दैट इज 1/10 71.4 माइनस 0.3 इंटू एक्स वन, जैसे कि अभी एक्स वन एंड एक्स टू का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे इस फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू लेंगे तो यहाँ से 0.3 इंटू एक्स वन तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2.6167 प्लस 0.2 इंटू एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू दैट इज माइनस 2.7945। तो नाउ आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 0.056 इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कैलसी का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप कैलसी का यूज खुद से करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर खाली आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि इस तरह से आपको फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक्स वन कॉमा वन मतलब ये फर्स्ट इटरेशन है, दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, दिस इज द फर्स्ट, फर्स्ट इटरेशन में एक्स वन का वैल्यू, फर्स्ट इटरेशन में एक्स टू का वैल्यू एंड फर्स्ट इटरेशन का एक्स थ्री का वैल्यू। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे सेकेंड इटरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड इटरेशन का वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से करेंगे तो बहुत ईजी है सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट करना। देखिए सेम सेकेंड इटरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे एक्स वन का वैल्यू सेकेंड के लिए तो एक्स वन कॉमा टू क्या मिल जाएगा आपको, इसका वैल्यू यूज करेंगे दैट इज 1/3 क्या है 7.85 प्लस 0.1 एक्स टू, तो एक्स टू का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे क्या है ये वाला वैल्यू, एक्स टू का वैल्यू ये है तो एक्स टू का वैल्यू यहाँ से लेंगे दैट इज कितना गिवन है माइनस 2.7945 ये हो गया 0.2 है यहाँ पर तो 0.2 इंटू एक्स थ्री, तो एक्स थ्री का वैल्यू ये फर्स्ट इटरेशन में जो भी वैल्यू मिला दैट इज 7.0056। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे इसे तो जो इसका वैल्यू मिलेगा आपको तो इसका वैल्यू मिलेगा 2.9906। नाउ सिमिलरली हम लोग सेकेंड इटरेशन के लिए एक्स टू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स टू 2.2 दैट इज यहाँ से मिलेगा 1/7 माइनस 19.3 माइनस 19.3 राइट है सम माइनस 0.1 इंटू एक्स टू, तो एक्स टू का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे अभी यहाँ से इसका वैल्यू लेंगे इस वैल्यू से, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 2.9906। सिमिलरली क्या है प्लस 0.3x3 तो 0.3 इंटू एक्स थ्री, एक्स थ्री का वैल्यू ये वाला दैट इज 7.0056। नाउ आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू मिलेगा ये वैल्यू मिलेगा समथिंग टू माइनस 2.4996 ये इस तरह से वैल्यू मिल जाएगा। अब नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है एक्स थ्री का वैल्यू, एक्स थ्री का वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से करेंगे सेम एक्स थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज सेकेंड इटरेशन, तो सेकेंड इटरेशन के एक्स टू का वैल्यू 1/10 तो 1/10 71.4 माइनस 0.3 इंटू एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू अब नाउ हम लोग इसका वैल्यू लेंगे जो हम लोग ने कैलकुलेट किया ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2.9906 क्या यहाँ पर प्लस 0.2 तो प्लस 0.2 इंटू एक्स टू, तो एक्स टू का वैल्यू ये वाला दैट इज माइनस 2.4996। तो जो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा एक्स थ्री का वैल्यू वो समथिंग मिलेगा 7.0003। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री फॉर द सेकेंड इटरेशन। अब नाउ सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे
थर्ड इटरेशन को भी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड इटरेशन को देखते हैं कैलकुलेट करने पर क्या मिलता है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट इटरेशन ये समझ में आया होगा। दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में क्या किया हम लोग ने, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये मिल गया। सेकेंड इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री का वैल्यू यूज करके इसे फाइन करेंगे। तो इस तरह से एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री मिलेगा फॉर द सेकेंड इटरेशन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन को आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी यहाँ पर थर्ड इटरेशन लिखा गया है। थर्ड इटरेशन में दैट इज एक्स वन का वैल्यू कैलकुलेट करना है थर्ड इटरेशन के लिए। दैट इज एक्स वन कॉमा थ्री इज इक्वल टू क्या, वन अपॉइंट थ्री सेवन पॉइंट एट फाइव प्लस जीरो पॉइंट वन एक्स टू प्लस जीरो पॉइंट टू एक्स थ्री, जो कि आपको यहाँ पर गिवन था ये वाला वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर लिया। अब नाउ हमें क्या करना है, एक्स टू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ से करेंगे, सेकेंड इटरेशन। तो सेकेंड इटरेशन में एक्स टू का वैल्यू कितना मिला, माइनस टू पॉइंट फोर नाइन नाइन सिक्स। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू एक्स थ्री। तो एक्स थ्री का वैल्यू सेकेंड इटरेशन से लेंगे तो दैट इज सेवन पॉइंट जीरो जीरो थ्री। नाउ हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते थे, देखिए आपको मिलेगा क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर। दैट इज क्या गिवन है, ये गिवन है एक्स टू, एक्स टू का वैल्यू गिवन है आपको दैट इज अ माइनस टू पॉइंट फोर नाइन नाइन सॉरी नाइन नाइन सिक्स प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू एक्स थ्री। एक्स थ्री का वैल्यू क्या मिला, सेवन पॉइंट जीरो जीरो थ्री। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ एक्स थ्री। नाउ इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगा वो समथिंग वैल्यू मिलेगा थ्री पॉइंट जीरो जीरो जीरो, थ्री पॉइंट जीरो जीरो एंड जीरो। इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगा एक्स वन एट अ थर्ड इटरेशन। नाउ सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स टू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट द थर्ड इटरेशन। तो एक्स टू के लिए हम लोग सेम इक्वेशन यहाँ पर वन अपॉइंट सेवन क्या गिवन है, माइनस नाइनटीन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट वन इंटू एक्स टू। तो एक्स टू का वैल्यू हम लोग कहाँ से कौन सा यूज करेंगे, एक्स टू का वैल्यू दैट इज ये वाला, ये वाला हम लोग यूज करेंगे एक्स टू का। दैट इज कितना मिला, थ्री पॉइंट जीरो जीरो जीरो। तो थ्री पॉइंट जीरो 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 जीरो। सिमिलरली प्लस क्या है आपका, जीरो पॉइंट थ्री इंटू एक्स थ्री। तो एक्स थ्री का वैल्यू हम लोग सेकेंड इटरेशन से जो भी वैल्यू आपको मिला एक्स थ्री का वो दैट इज सेवन पॉइंट जीरो जीरो थ्री। तो यहाँ से हम लोग सेवन पॉइंट जीरो 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 थ्री। इस तरह से आप भी करोगे तो आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर मिलेगा वो समथिंग मिलेगा टू पॉइंट फाइव जीरो जीरो जीरो। सिमिलरली फॉर कैलकुलेटिंग एक्स थ्री फॉर द थर्ड इटरेशन तो आपको जो एक्स थ्री का वैल्यू यहाँ से मिलेगा वो वैल्यू समथिंग मिलेगा वन अपॉइंट टेन क्या है, सेवेंटी वन पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट थ्री इंटू क्या है एक्स वन। तो एक्स वन का वैल्यू यहाँ से लेंगे, देखिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे दैट इज एक्स थ्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए। वन अपॉइंट टेन सेवेंटी वन पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट थ्री इंटू एक्स वन प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू एक्स टू। तो यहाँ पर जीरो पॉइंट थ्री इंटू एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से थ्री मिल जाएगा दैट इज थ्री। सिमिलरली प्लस क्या है आपका, जीरो पॉइंट टू इंटू एक्स टू। तो एक्स टू का वैल्यू माइनस टू पॉइंट फाइव है। तो यहाँ से माइनस टू पॉइंट फाइव सब्सटीट्यूट करोगे तो जो आपको वैल्यू सॉल्व करने पर जो इसका आंसर मिलेगा उसका आंसर समथिंग रहेगा सेवन पॉइंट जीरो 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 फोर इस तरह से। तो नाउ आपको यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गया तो आप बोल सकते हो कि जो वैल्यू रहेगा इसका आंसर रहेगा जो कि एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री का वैल्यू जो आंसर मिलेगा आपको वो एक्स वन का वैल्यू मिलेगा थ्री, एक्स टू का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस टू पॉइंट फाइव एंड एक्स थ्री का वैल्यू मिलेगा आपको सेवन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर टू को कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर वन में आपको गिवन था एक्स वाई जेड, बट यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड न देकर आपको एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री के फॉर्म में था। तो यहाँ पर थोड़ा आप कन्फ्यूज हो सकते हो, तो कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपको जैसे आप एक्स वाई जेड लेते थे सेम यहाँ पर एक्स वन कॉमन लोगे, यहाँ से एक्स टू का वैल्यू फाइंड करोगे एक्स थ्री का, तो देखेंगे किसका वैल्यू ज्यादा है। तो थ्री, तो यहाँ से एक्स वन का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स टू, यहाँ से मिल जाएगा एक्स थ्री। तो इस तरह से हम लोग ने इक्वेशन को फॉर्म किया। फॉर्म करने के बाद पुट करना सेम जैसे हम लोग ने एक्स इजिकल टू जीरो वाई इजिकल जीरो जेड इजिकल जीरो किया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको फर्स्ट इटरेशन के लिए एक्स वन का वैल्यू मिलेगा ये, एक्स टू का वैल्यू सेकेंड फर्स्ट इटरेशन के लिए एंड एक्स थ्री का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन के लिए ये। नाउ सेकेंड इटरेशन फाइंड करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए फर्स्ट सेकेंड इटरेशन फाइंड करने के लिए एक्स वन का वैल्यू कैलकुलेट करते समय 7.85 प्लस 0.1 एक्स टू प्लस 0.2 एक्स थ्री। तो जब भी एक्स टू का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये वाला, तो ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एक्स थ्री का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन से ये, तो आपको ये मिल गया। सिमिलरली एक्स टू फॉर टू मतलब कि एक्स टू का वैल्यू सेकेंड इटरेशन से कैलकुलेट करना है, दैट इज 1 अपॉइंट सेवन माइनस 19.3 प्लस जीरो माइनस 0.1 एक्स टू।
यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी आप x2 का वैल्यू, ये वाला वैल्यू मत लेना, क्यों? क्योंकि आप अब यहाँ पर आपको पता है x1 का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर यूज़ करना, दैट इज 2.9906। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे जेड का वैल्यू यहाँ पे, तो आपको x2 मिल जाएगा, सिमिलरली x3 मिल जाएगा। इसी तरह से आप थर्ड इटरेशन में लेकर जाओगे, थर्ड इटरेशन के लिए भी सॉल्व करोगे, तो आपको यहाँ से x1, x2 एंड x3 का वैल्यू मिल जाएगा। यही आपका होता है फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इससे अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।